नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोग देख रहा छी मिथिला मिरर। तो मिथिला मिरर के विशेष भेंटघाट कार्यक्रम में एक बार फिर से अपने लोग के बहुत बहुत स्वागत है। आ एक विशिष्ट पाहुन के आई लोग अपने लोग सोझा एलों हैं। एक एहन पाहुन जे विविध तरहक वेरिएशन कह सकै छी, खासकर विभिन्न तरहक प्रयोग करबा में हिनका महारत हासिल छनि। कखनो नीक मंच उद्घोषक छथि, मंच पर साहित्य सेहो नीक सँ राखि सकै छथि, आ कखनो बकरी के तीन टा टांग सेहो बना दै छथिन। अपने लोकनि बुझि गेल होयब राधे भाई आइ हमरा सभक संग छथि, तऽ राधे भाई सँ बातचीत करब आ ओहिके बाद जे छै से हिनका सँ जानऽ चाहबनि जे ई आखिर केना बकरी के तीन टांग बना दै छथिन आ ओकरा संग संग जे छै साहित्य संस्कृत कला केना एहि सबके जे छै सम्मिश्रण करै छथिन। तऽ सबसँ पहिले राधे भाई के स्वागत करियनि। राधे भाई, बहुत बहुत स्वागत छै अहाँके मिथिला मिरर मे। जी धन्यवाद अपनेक और सब मिथिलावासी के हमर प्रणाम। ओना तऽ जानिते छी सुखायल राधे के टटायल नमस्कार। और आइ बहुत बहुत धन्यवाद दऽ रहल छनि मिथिला मिरर के जे मैथिली के आगा बढ़ाबऽ में बहुत पैघ अपन मेहनत कऽ रहल छथि। और एहि मेहनत के शायद हमरा हिसाब सँ कोनो कीमत नहि भऽ सकै छै, कोनो एकर जोड़ नहि भऽ सकै छै। राधे भाई, मंच पर जे छै से प्राय हर जगह, चाहे ओ मेट्रोज होय या गाँव गाँव सौंसे अहाँ मंच पर जाइ छी, मंच पर बहुत गोटे अहाँके प्रशंसक छथि, अहाँके जे कला अइ जे शैली अइ तकर बहुत गोटे प्रशंसा करै छथि। तथापि जे छै से अखन तक ई केओ गोटा नहि पुछने हेतै राधे भाई परिचय की अइ, तऽ हुनका लोकनिक लेल राधे भाई के मूल परिचय की से जानऽ चाहबनि। ओना यदि हमर साहित्यिक परिचय लेब तऽ जिला मधुबनी जानि लिअ, राधे हमर नाम, भाया सकरी अछि हमर, नरपति नगर निज ग्राम या नरपति नगर के हम निवासी छी, जाहिठाम के सूरज नारायण सिंह जी छलाह। और ओहि गाम सँ हमरो सौभाग्य जे हम ओहि गाम मे जन्म लेने छी। और सबसँ पैघ सौभाग्यक बात जे जाहि धरती पर जनक जननी जगदम्बा अवतरित भेली ओहिठाम हमरा जन्म लेबाक अवसर भेटल, एहिसँ पैघ और किछु उपलब्धि नहि भऽ सकै छै भाई। अहाँ साइंस के विज्ञान के स्टूडेंट छी, ओहिके बाद फिर अहाँ बी एड केलहुँ, तऽ फिर मंच दिस अयबाक जे छै से ई केना सोचि लेलियै जे अहाँ मंच दिस आयब? साइंस के बाद लोग डॉक्टर इंजीनियर एहन एहन तरहक जे छै चीज बनै छै, फिर मंच आ ओहोमे हास परिहास जे छै ई तऽ बड़ा भिड़ागर, केना सोचलियै ई चीज? एकर एकटा बड़ा नीक शुरुआत छै। जे हम धियापुता रही, हमरा घरमे नव नव बिजली के कनेक्शन लागल छलै, तऽ ट्यूबलाइट सेहो लगलै आ बल्ब सेहो लागल छलै। तऽ दलान पर मे हम पिताजी के संग सुतल छलहुँ, तऽ रातिमे सुतैत कालमे कहलखिन जे बौआ आब जे छै से बतिहर बुझा दहक। तऽ बतिहर बुझा दे, तऽ हमरा तऽ सब दिन गाममे रहके आदत, सब दिन हम लालटेनके एनाके क्लिप रहै छलै ओकरा उठाके मुँहसँ फूँकि देलहुँ, डिबिया रहै छलै ओकरो मुँहसँ फूँकि देलहुँ, दू बेर ओहि बॉलोके फूकके प्रयास कयलियै नहि बुझेलै। कहलियै पप्पा नहि बुझाइए यौ, तऽ कहलखिन है देखब ठीक से प्रयास कऽ कऽ। हमहूँ अन्तमे बारहन रही राखल, उठेलियै बॉल पर मे मारलियै, कहलियै पापा बुझा गेल। तऽ तखने पिताजी देखलखिन, कहलखिन जो रे छौड़ा सत्यानाश कला, तू तऽ बॉले फोड़ि कऽ गिरा देलही। हमरा मनमे ओहि दिनसँ भेल जे हँ हास्यमे हमहूँ किछु कऽ सकै छी। आ गाममे ओनाहितो कनिक बेसी चटपटिया स्वभावके धियापुता जे होइ छै ताहिमे हमर काउंटिंग होइ छल। कतौ गेलहुँ कीर्तनमे, कतबो पैघ कलाकार आयल रहल तऽ लोक कहलक हे हमरा गामके कलाकार छै हिनको गाबदक, तऽ हम एकाधटा भजन गाबि दिए, ओहिमे हमर गौआ खुश भऽ जाइ छलथि। एखनो गामके मिथिलावासीके तऽ प्रभाव अछि, हुनके प्रभावे आइ कलाकार छी, लेकिन गामक लोक हमरा बड़ प्रोत्साहित केलथि। कतौ गेलहुँ ढोलक केओ बजा रहल, केहनो नीक ढोलक वादक रहल, कहलक हे बच्चाके बजबै दियौ, अपने बजेलहुँ। हमरामे एकटा गप रहल, हम आइ तक नकल नहि केलहुँ, चाहे हास्यो विधामे छी तऽ हम अपन चीज लऽ कऽ अयलहुँ, ढोलको बजेलहुँ तऽ हम कहियो कैसेटके रिकॉर्डिंगके नकल नहि बजेलहुँ, अपन चीज बजेलहुँ। जाहिके कारण जतेक कलाकार छथि सब हमरासँ खुश रहै छथि। बहुतो कलाकारके हम कलाकार बनऽमे अपना रिदमसँ सहयोग केलियनि, जे आइ हमरा सान्निध्यके जे कलाकार अयला मार्केटमे हुनकर रिदम पर बड़ पैघ पकड़ छनि। भले ओ सुर से बेसुरा भऽ जेता लेकिन ताल से बेताला नहि भऽ सकैए। हम नाम नहि किनको लेब, लेकिन अपने अजमा सकै छी जिनका संगे हम रहल छी, हमर पास्ट देख लेल जाउ और अपनेके विश्वास भऽ जाय जे नहि राधे भाइ रिदम के सचमुच मे पक्का कऽ दै छथिन जे कलाकार के संगे। तऽ मंच पर जखन अहाँ जाइ छियै तऽ मंच पर गेलाके बाद जे छै से पहिल बेर जे थोपड़ी बजलै अहाँके जे किछु निकलल रहै, तऽ घरमे अहाँ कहबे केलहुँ कि बारहन लऽ कऽ बल्बके फोड़ि देलियै, लेकिन ओकरासँ इतर जे छै से मञ्चपर कोनो एहन संस्मरण अहाँके जे किछु अहाँ बाजल हेबै आओर जाहिपर प्रशंसामे जे छै से बहुत बेसी थोपड़ी पिटायल हेतै? हँ, हमर
सबसँ पहिल कविता तऽ ओना रहल मिथिला मैथिली आ मिथिलाञ्चलके हम शोर करै छी, दिअ आशीष अहाँसभ, हम राधे गोर लगै छी, एतयसँ हमरा बुझियौ जे टैबलेट एकटा कोनो भेट गेल एनर्जेटिक, तकरा बाद जे छै से हम एकटा कविता लिखलहुँ ओहीके तुरन्त बाद जे हमर लोकके जुबान पर चढ़ि गेलनि आओर हमरा एखन धरि ओहि कवितासँ हमर पेट चलि रहल अछि। हम ई गप अहाँके कहि रहल छी। ओ कविता छलै, अंग्रेजीके ताम झाममे अपन भाषा बिसरि गेलहुँ, डेग डेग पर पिताके पप्पा माइके मम्मी सुनैत अयलहुँ, संस्कार चलि गेल निखत्तर, संस्कार चलि गेल निखत्तर, माइक बोली बिसरि गेलहुँ आ पिज्जा बर्गरके चक्करमे तिलकोरक तरुआ बिसरि गेलहुँ। ई हमर ई आओर छै एहिमे दू तीन टा अंतरा, लेकिन हम ई जे बाजै छियै मंच पर जखने चढ़लहुँ आ ई बजलहुँ तकरा बाद जे ताली बजै छै तऽ ओ माँ सरस्वतीए बुझै छथिन जे हमरा ऊपर ओ की कृपा केने छथिन। ठीक, बहुत बढ़िआँ। एकरा आगाँ जे छै से मंच पर कतेक चुनौती अहाँके भेटल? मंच पर जे छै मंच केनाइ सहज नहि छै, तऽ एहनमे जे छै से मंच पर कतेक चुनौती भेटल अहाँके? ई गप पूछै छी, मंच पर हमरा कलाकारीमे चुनौती नहि महसूस भेल जी, किएकि हम अपन विधा लऽ कऽ आयल छलहुँ जी। हमरा किनकोसँ डर एहि बातक नहि छल जे हम किनको नकल कऽ रहल छी, केओ हमरा कहता जे राधे भाइ हमर चीज बजै छथि चाहे हमर नकल कऽ रहल छथि, हम अपन विधा लऽ कऽ आयल रही। डर एकहिटा चीजके भेल, राजनीतिके जी। मैथिली मञ्चपर ई हम आइ प्रकट कऽ रहल छी अहाँके सामने, मैथिली मञ्चपर बहुत बेस रास राजनीति भऽ रहल अछि, जतेक मैथिलीके विकास नहि भऽ रहलै ओहिसँ बेसी ह्रास भऽ रहल अछि बाहि राजनीति, किएकि आइकाल्हि लोक कलाकारके बजाबै छथिन लेकिन ओहिके बीचमे बिचौलियाके जे बजबै छथिन ओ राजनीति ठाढ़ कऽ दै छथिन। ओ सरलो माछके कहलथि जे ई एकदम रेहू छै, प्योर रेहू एखने अयलैए जालसँ छना कऽ, आओर जे नीको माछ रहल ओकरा कहल दूर ऊ आ माछमे जान जे महकैत रहै छै सड़ि गेलैए। तऽ ई चीजसँ हमरा कनिक चैलेंज रहल आओर एहिके हम एखनो धरि सामना कऽ रहल छी। बहुत संस्था एहन छथि जेकि हमरा बजाबऽके लेल अपना आपके तैयार करै छथि, लेकिन हुनका कोनो ने कोनो कलाकारके माध्यमसँ वा दलालके माध्यमसँ, बीचमे छथि दू चारिटा दलाल छथि, हम नाम नहि लेब, लेकिन दलाल छथि जेकि मैथिलीके व्यापार बना देने छथिन। अहाँ कहियौन जे हमरा कार्यक्रम करेबाक अइ तऽ ओ सीधे कहता 1.5 लाख रुपैआ लागत, ओहि 1.5 लाखमे कलाकारके जेबीमे कतेक गेलै? मुश्किलसँ 11,000-15,000। हुनकर टोटल खर्चा देखियौन कतेक अयलै, तऽ 60,000-55,000। बाकी पैसा किया? हम तऽ एतबे कहब अहाँके चैनलके माध्यमसँ जे जतेक मिथिलावासी हमरा सुनि रहल छथि, कोनो कलाकारके आब तऽ सोशल मीडियाके जमाना भऽ गेलै, व्हाट्सएप छै, फेसबुक छै, इंस्टाग्राम छै, बहुते बेस रास आब रास्ता भेट गेलैए, अहाँ डायरेक्ट कलाकारसँ सम्पर्क करू आ हुनका आमन्त्रित करू। चलू, एतेक कने कटहगर गप भऽ गेलै, तकरा बाद हम चाहब जे किछु हास परिहास जे छै से अहाँ लग बैसल छी आ हास परिहास अगर नहि होय तऽ ई नीक बात नहि, तऽ किछु एकटा जे छै से कने गुदगुदा दियौ। बकरीके तीन टाँग, ई हमरा बेसी इच्छा छल जे की छै बकरीके तीन टाँग। तऽ 2014 हमर एकटा 2014 ई एकटा मोनक सेहनता पूरा भेल, किएकि देखियौ आब जे भऽ रहलै लोक ज्यादातर दोसर भाषाके नकल करऽ लगलथि, जाहिके कारण हमर एकटा डायलॉग मुंबईमे जा करके किनको पूछियौन तऽ ओ सीधे कहता जे राधे भाई ई चीज कहै छलखिन, हम कहै छी अपना मायके माय नहि कही आ सासके जाकऽ मम्मी जी, अरे पहिने अपना मायके माय ने कहियौ, सासके तकरा बाद जे मम्मी जी कहबै, माता जी कहबै, मैया कहबै, जे कहबै सब चलत, लेकिन पहिने अपना घरमे ओहि जननीके प्रणाम करू। हमरा हास्यके जहाँ तक गप छै भाई, हम आइ तक हिंदी मंच पर नहि चढ़लहुँ जी, जकरा गाम घरमे लोक हम हिंदी मंच एहि दुआरे कहलहुँ किएकि लोक ऑर्केस्ट्रा कहै छथिन, ऑर्केस्ट्राके मतलब होइ छै बैंड ऑफ म्यूजिशियन, हम ऑर्केस्ट्राके सङ्गे तऽ काज करै छी लेकिन हम हिंदी मंच नहि करै छी आओर आन भाषाके मंच पर हम नहि जाइ छी। जे आन भाषाके कलाकार हमरा लऽ गेलथि ओ भरि राति कनलथि, किएकि हुनकर मंच हम छीन कऽ मैथिली मंच बना देलियै, ओहि मंचके गवाहके तौर पर रामपट्टीके श्रोता छथि 31 दिसंबर, याद हेतनि हुनका जे राधे भाई ओहि मंच पर छलाह आ एकटा मैथिलीके नहि भोजपुरीके बहुत पैघ कलाकार छलाह जिनका हम मंच परमे, ई अपन तारीफ नहि हम कऽ रहल छी, मैथिलीके बरप्पन छै जे हमरा ओ भाई
मंच पर में पैर पकड़ लेलथि हमर गप सुनकर। हास्य के गप करै छी त हम त जीवन भर हास्य में जीवै छी। जे हमरा जखन दूटा बेटा भेल त बहुते लोक पूछ लगलथि राधे भाई ई गप नै बुझलियै जे अहाँके दूटा बेटा कोना भेल। हम कहलियै देखियो ई मैथिली के योगदान नै छै, एहिमे मेहनत हमर अछि, हम एहि चीजके मानै छी, लेकिन भारत में आतंक के स्थिति ततेक बढ़ि गेलै है जे बच्चो एसगर जन्म लैत डेराइ छै, ओ एकटा बॉडीगार्ड सङ्गे लऽ कऽ अबै छै। तऽ हमर एहिमे कोनो अपना आपके हम बेसी महान नहि बुझै छियै, ई भारत देश के स्थिति सुधरबाक चाही। कियाकि देखियो भाई हम मंचसँ कहै छियै जे हमरा देशमे पुलिस जे छै से स्त्रीलिङ्ग छै, पुलिस आती है पुलिस जाती है, पुलिस की वर्दी है पुलिस की जीप है, कोई निकल के पुलिस आता है पुलिस जाता है, ये पुलिस का वर्दी है ये जीप है, सबटा स्त्रीलिङ्गे छै। आ तब अखबार में देखै छियै आए दिन लिखल रहत भोरे भोरे घटना होने के दो घंटे के बाद पुलिस पहुँची। हम कहै छियै रे भाई स्त्री जाति छै, ओकरा पहिरऽ ओढ़ऽ में कनी के मेकअप करऽ में समय लगै छै, बिना मतलब के तू सब बदनाम करऽ में किया लागल छी। जै दिन हमरा देश के पुलिस पुलिङ्ग भऽ जेतै ओहि दिन अपने देश देखियै हरहराइत रहतै, कोनो दिक्कत नहि हेतै। राधे भाई धिया पुता तऽ दूटा भेलै हो, लेकिन एकटा कहानी जे छै से ब्याह काल में ससुर जे छै से अहाँके देखै लए जाय, मतलब ब्याह काल में नहि ब्याह सँ पहिले तऽ सेहो किछु घटना रहै, हमरा कहने रही अहाँ कहियो। हाँ ससुर हमर तऽ ब्याहे बुझू एकटा घटने छै, ओ जहियासँ ब्याहक बातचीत चललै आ जा धरि विवाह सम्पन्न भेलै ता धरि में बहुत बेसरास चैप्टर सब खुजलै आ क्लोज भऽ गेलै। ओना हमर ससुर महाराज जखन हमरा देखऽ लेल एलखिन तऽ एहिठाम एलखिन, हम ओहि राति जागरण में गेल, ओहि समय ढोलक हम बजबैत छलहुँ तऽ हम पीठी पर ढोलक टंगने एलहुँ। हमर भाई गोविंद छोटका खोललक केवारी, कहिए कि जे भाईजी लड़की वाला एलथि ये, के छथि तऽ एना एना मधुबनी से एलथि ये। हम कहे मधुबनी से एलथि ये, अच्छा भोजन उजन केलथि तऽ हँ, हो बाबू एतबे करिते रहिए। ढोलक राखऽ के क्रम में हमरा जेबीसँ चुनौती गिर पड़लै चूना वाला, ओ बुढ़ा के नजरि पड़ि गेल। हमरा कहै छथिन जे हैं आपसे कौन शादी करेगा, आप तो ये सब खाते पीते हैं। हम कहे हम खाते पीते नहीं हैं, ये हमारे जेब में वो टीका चाचा खाते हैं, उनका तंबाकू का डिब्बी रह गया था चूना वाला और तंबाकू नहीं है मेरे पास। तो नहीं नहीं आप, हम कहे सुनिए शादी करने आए हैं, नौकरी नहीं देने आप आए हैं, शादी करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आप खाइए पीजिए, जब जाना होगा आप चले जाइएगा। हमरा कहे छथि अच्छा ठीक है हम भी सोचते हैं। ओहि दिन के बाद बिहान भऽ कऽ ओ घर गेलथि, तकर बाद फेर हुनका पता नहि की मन में अयलनि, ब्याहक गप गाम पर में जाकर चललै, ब्याह भऽ गेल। भाई देखियो ब्याह अहूँके भेले हैत आ जतेक लोक देखै छथि ओहिमे 70% लोक विवाहित हेता, निश्चित रूप से हेता। आ जे विवाहित हेता तऽ एकर नामे छै जे जे ई लड्डू खेलक सेहो पछतेलक आ जे नहि खेलक सेहो पछतेलक। आब कियाकि देखियौ विवाहमे मैथिलीमे कहल जाइ छै ब्याह, हिंदीमे कहल जाइ छै विवाह आ अंग्रेजीमे कहल जाइ छै मैरिज। ब्याह मतलब बी हटा दियौ आह बचि जाइ छै, विवाह विवाहमे बी हटा देबै तऽ वाह तऽ बचै छै, लेकिन कखन देखियौ ब्याह एकटा एहन मुसीबत के समय होइ छै जे अहाँके और कोनो दिन केओ रहै या नहि रहै, लेकिन ब्याहमे जकरा अहाँ नोत नहियो देबै सेहो पहुँच जायत मुसीबत के बेरमे। एहिसँ पैघ हम आइ तक भीड़ जुटैत नहि देखलियै ककरो। आ अंग्रेजीमे चलि आउ तऽ मैरिज कहल जाइ छै, हमरा सनक व्यक्ति मैरिजोके संधि विच्छेद करै छै, लोक संधि विच्छेद संस्कृतमे हिंदीमे केला, हम अंग्रेजीमे केलियै जे मैर एज, जाहिमे एज मरि जाय ओ भेल मैरिज। आब हमरा कहू जे किनको एहिमे से एहन लागल हेतनि जे नहि राधे भाई खराब कहि रहल छथिन, सब गोटे जहियासँ सेनुरदान केलथि आधा उम्र चलि गेलनि। अहूँके तऽ अहाँ तऽ अपने अनुभवी छी, हम की कहब, कनिया सङ्गे लड़ाई तड़ाई होइए यौ। आ बुझू हम तऽ नामे रखने छियै हुनकर झगड़ा मशीन। केतबो हाकल पियासल अहाँ बाहर से चलि आउ आ एक गिलास पानि मांगि कऽ देखियौ, हे सुनै छी ये एक गिलास पानि लेने आउ, ओमरे छोलनी करछुल फेकैत आ दौड़ती, आँ एकरा बुझाइ छै कि एकरा बापो माय के हम सेवा कऽ दिए, एकरा भाइयो के ठुसा दिए, एकरो हुरा दिए, एकर बालो बच्चा के गुमुत कऽ दिए, जेना हमर बाप इनका नौकर कीन कऽ दऽ गेलनि यऽ।
हमर भाई प्यास खत्म भ जाय छे, हम कहन रह दियो आब नै पियब पानी, बुझली? त सरकार आब झगड़ा के गपतो त रोज होइ छे आ किनका नै होइत हेतै, किनका नै होइत हेतै, केतबो हाकिम हमही एकटा गीत में गेने छी ओही बकरी के तीन टांग में, जाय पर कने विवादो भेल रहे जे ई किनको लिखल छन, जिनकर लिखल होय, लेकिन हमर लिखल एहि में हम किछ शब्द परिवर्तित केलौं, लोक के नीक लगलन। हम ई नै कहै छी जे हमर बपौती अछि, लेकिन ओहि में हमर एकटा शब्द बड़ा नीक लागे, जे घर घर में देखू मौगी सरदार, केतबो हाकिम कहबी बाहर, घर में छी मालिक बेकार, परिकल मुसनी देखलक हाफ भरिए, रात में जे भी साफ मन पड़ी छे नाना बाहर बा जनाना, जनाना शब्द जे छे आहा जो हटा दियो नाना, तो जखने जनाना अहाँ के घर आयल तो नाना यादेबे करत, तो आब पहिने नया बियाह होइ छे तो लोग के पूछियो भाई की हालचाल, एखन एखन तो गोर लगाइए वाला पाई पर में कटे छे, चल ना चौक पर में, वह आदमी के कनेक पांच छह साल के बाद भेंट करू, पूछे भाई की हालचाल, हाथ में लंच वाला डिब्बा लेने भागल जात रहता, अहाँ केतबो जोर से हाक देवन तो अखन ड्यूटी जाय दह हो भाई, बाल बच्चा लेल कमाई लेल जेबाक, आबि गला बाल बच्चा अपन, आ बुढ़ापा अबै छै, भाई की हाल छ, हाँ आब के बउआ कहुना के भाई बहिन जका जुनू पजानी जीवै छी, इएह जीवन छै सरकार बियाहक, आ जिनका नहि भेलनि यऽ, हमरा देश में तीन टा कुमार, पहला कुमार अटल बिहारी वाजपेयी जी, दोसर कुमार राहुल गांधी, आ तेसर कुमार सलमान खान। वाजपेयी जी बेचारे कुमारे रह गए, कारण जे बेंजीर भुट्टो सब बियाह नहीं भेलन तें खातिर कुमार रह गेला, बचले बात राहुल गांधी जी के तो हुनका मतारी के कारण हुनकर बियाह नहीं होइ छन, जगह जगह पोस्टर लागल छे देवाल पर में लिखल छे सोनिया जी को बहु मत दो, अब सोनिया जी को बहुमत दो ई चीज तो लोग बिसर जाय छे, लेकिन सोनिया जी को बहु मत दो ई चीज जे भऽ जाइ छै तऽ राहुल गांधी जी बेचारे घटक जे सोचितो छै जे हम अपना कन्या सँ बियाह करेबनि हिनका, ओहो बेचारे कहै छथिन जब दूर सासे नहि चाहै छै तऽ की बेटा के बियाह कऽ कऽ हेतै। आ तेसर कुमार सलमान खान बेचारा फंसा फंसा के लाबै छै आ कोई लऽ कऽ टहल जाइ छै, आब देखियौ कैटरीना कैफ के अनलकै वएह हाल, ऐश्वर्या राय के अनलकै वएह हाल, नया मे अखन सोनाक्षी सिन्हा के अनलकै, ओकरो बारे में सुनै छै हाथ से छिछलि गेलै तो भाई इएह हाल छै, ओना ई तऽ पुरुष डिपार्टमेंट के गप छै, महिलो में एहन छथि, लेकिन हम चर्चा कथी लए करू, हम पुरुष फी पुरुष पात्र के गप करै छी। ठीक छै, तो बकरी के तीन टांग के बाद जे छे से हम बाबा घपोचन दास पर काज कर रहल छी जी, तो की छे बाबा घपोचन दास? बाबा घपोचन दास में किछ हम तो व्यंग्य काढ़ै छी, हमरा तो व्यंग्य के और व्यंग में सबसे पैघ बात छे जे हम अपडेट व्यंग काढ़ै छी, हम ई नहीं जे बाबा हमर हाथी पोसने छलथि हम करी लऽ कऽ घुमै छी, फलना गाम में एना छले एकटा आदमी एना भेलै, हम एहि तरहक जोक्स बाजऽ वाला नहीं कहियो काज केलहुँ, हम अपडेट जोक्स बजलहुँ। तऽ एखन के डेट में जे छै से बाबा घपोचन दास किछ साधु महात्मा के ऊपर हमर सनातन धर्म में आरोप लगलनि, तो ओहि के लऽ कऽ हम एक दूटा गीत ओहिमे गेने छी, जे सब दिन पूजल देवता पितर तैयो नहीं छुटल बन, बाबा घपोचन हो चलिए के मारे लगल लाइन, क्या बात, बहुत बढ़िया। एकटा गीत तो हमर ई है, आ एकटा हम रैप अनलू, लोक हिंदी मैथिली के हिंदी और अंग्रेजी में रैप सुन लकै छल, हमरा सहनता भेल जे हमर मैथिली में रैप किया नहीं हेतै, तो हम मैथिली में रैप ओ ओना तो सब गोटे के बुझल हेतन, आ सब गोटे फेसबुक पर आब ई रहै छथि, यूट्यूब पर रहै छथि, हमर लाइव स्टेज के बहुत ठाम आब वीडियो क्लिप सब छै, लेकिन हमर रैप सब जे छै ओहिमे एकटा रैप हम अपन माटि पानि से उठेलहुँ, धियापुता में हम सब खेलियै हाथ राखि कऽ अटकन मटकन दहिया चटकन जी, ओ अटकन मटकन हमरा पास में दू चारि लाइन छल, लेकिन भगवती के एहन कृपा भेलनि जे एकरा जे हम जोड़ैत चलि गेलियै तऽ आब ई ततेक नमहर भऽ गेलै आ लोक के नीक लगै छै, हम चाहै छी दू लाइन शेयर कऽ दी। हम एहिमे एकटा चीज और जोड़ि देब, तीन साल के हमर बेटी अछि, ओकरा अटकन मटकन अबै छै, तऽ ओकरा लेल हम चाहब कने विशेष कऽ जे अटकन मटकन सब। हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से, तऽ बौआ के लेल कि अटकन मटकन दहिया चटकन केरा कुश महागर जोहगर पूर्णिक पत्ता हिले डोले माघ मास करैला फर, एतऽ से हम कनेक चेंज होइ
होइ छिए रोटी टटल छन दाइल खटल छन कति संख्यता हमर बउवा गहूम पिसल छन मन अगधल छन तहिल रुसल छै त हमर बउ कनिया मनिया झिंगा के जोर कनिया बहिन के लगल चोर अब की पहिरती कौवा के ठोर में पिल्लुआ अब की पहिरती सिल्लुआ हे हे अटकन मटकन दहिया चटकन केरा कूस महागर जोहग पुरनिक पत्ता हिले डोल माघ मास करैला फरे होई करैला नाम की आम गोटी जामुन गोटी ते तेरी सुहाग गोटी ऐनी मैनी बर दुख देनी सुया लबा की डोरा बाजे ना रे छोरा ई चीज अखन और छे में लंबा रैप छे ई पब्लिक के बीच हम मैथिली मिथिलावासी के द रहल छियन समर्पित कर रहल छियन बहुत जल्दी हमरा पता चलल या जे के गोटा और एही नाम से कैसेट करल जा रहल छथि हुनका हम अहाँ के चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के आग्रह करबनि जे ई नाम हमर रजिस्टर्ड नाम है जे गोटे ई काम कर रहल छथि हुनका से आग्रह करबनि जे बंद कर लेत नहीं तो हमरा मजबूरी में हुनका घर नोटिस भेजब पड़त और हुनका फिर बाद में झेल पड़तन। राधे भाई एक चीज हम अहाँ से और जानना चाहब अतिथि जे छे अतिथि के स्वागत करबाक परंपरा चूंकि अपना सनातन में अपना मिथिला में जे छे से रहबे करे तो अहाँ अतिथि सत्कार के विषय में सेहो किछ अपन नीक विचार रखै छी। देखियो अतिथि सत्कार के जहाँ तक गप करै छी तऽ नामे हुनका अंग्रेजी में गेस्ट कॉल जाय छे गेस्ट आ होस्ट में कनि क्या के फर्क होय छे प्रोनाउंसिएशन में। अच्छा गेस्ट अतिथि भ गेलै तऽ होस्ट भूत होइ छै तऽ लोक पहिने जे रहै छलखिन हुनका मन में रहै छलनि जे अतिथि के सत्कार हम करी लेकिन पहिने अतिथि के सत्कार जो होइ छलनि तऽ दलाने पर में लिखल रहै छलै अतिथि देवो भव दोसरो के अतिथि आबि कऽ हुनके दलान पर ठहरि गेल कि जे हो ओहिठाम बड़ सत्कार होइ छै लिखल छै अतिथि देवो भव घरमी से परेशान भऽ कऽ घरबैया जे छथि से ओहि बोर्ड के हटा देलखिन तकरा बाद लिखाइ लगलै सुस्वागतम जे जमहर से अयलथि वही दलान पर ठहरि गेलथि ओ सुस्वागतम तकरा बाद सेहो हटऽ लगलै तकरा बाद लिखाइ लगलै शुभ लाभ लोक बुझलक बुझाए बेसी धन छै घर में अहिठाम रुकल जाए ओ शुभ लाभ पर में बेसी लोक रुकऽ लागल। आब लोक सीख लेलकैए जे आब जत शुभ लाभ लिखल रहै तत जाकर ठहरी ओ ठहरनाइ के लोक घरबैया जे छै सेहो बुझि गेल छै चट द ओहि बोर्ड के हटा देलकै अंग्रेजी में लिख देलक वेलकम जे पढ़ल लिखल छथि बेचारे ओ तऽ देखलखिन ठहरि गेलथि आ जिनका नहि अंग्रेजी के ज्ञान छै ओ देखलथि वेलकम लिखल ओतै से वापस भ गेलै। तैयो जे अतिथि के एनाइ पढ़ल लिखल लोक बेसी कनिक न आब हम अहाँ जे छै से मूर्ख लोक के कतौ देखबै लोक कहै छै जे मूर्ख माखै छै पैखाना तीन ठाम एक ठाम आ कबिलाहा जे छै तीन ठाम मौखै छै तब नहि बुझलियै मूर्ख के किछो लागल कतौ गाछ हँसे देलक घास पर मे दूर जे हेतै हेतै लेकिन धनिक पढ़ल लिखल लोक जे रहल ओ लागल तकरा बाद देखलक की लागि गेलै आंगुर में लगा कर नाक लग लो जाकर ओकरा चेक केलक तो तीन ठाम ओ मैख जाय छे हो बाबू घरबैया ओ वेलकमो पर में जे देखलखिन जे अतिथि पर नियंत्रण नहीं भ रहल है तकरा बाद आब सीख गेलथि आब की सीखलथि तो आब लोग फर्स्ट क्लास महल दू महल बना लै छथि चारू तरफ चौबगली बाउंड्री दऽ देलथि एकटा 20,000-25,000 खर्च कऽ कऽ लोहा के चदरा वाला गेट बड़का टा के दऽ दै छथिन दलान पर मे आ ओहि के आगा में एकटा टीन के बोर्ड टांग देलथि 20 रुपया में लऽ कऽ ओहि पर लिख देलथि कुत्तो से सावधान। आब जे अतिथि अयलथि जकरे देखलथि कुत्तो से सावधान ओ बेचारे मोने मोने सोचअ लगलथि या तऽ भऽ सकैया घरबैया घर में कुकुर पोसि लेलथि या आ नहीं तऽ कहीं हिनकर अपन व्यवहार नहीं तऽ कुकुर सनक भऽ गेलनि या सोचि कऽ वापस भऽ जाइ छै मित्र छथि हुनका एतय अहिना गेलहुँ घूमऽ टहलऽ लेल तऽ गेलहुँ तऽ हुनकर पत्नी निकललखिन राधे भाई हमर सौभाग्य अहाँ अयलहुँ हमरा गाम पर हम कहलियै हम सौभाग्य तौभाग्यके कोनो गप नहि छै हमहुँ अहीं सब जकाँ मनुख छी। ओ बेचारी चाय बना कऽ अनलथि आ चाय हमरा हाथमे देलखिन कप हम चाय एना देखलियै तोरी के चाय में तो माछी टाइप के बुझाइए किछ गिरल छै कनिक एक बेर एना एना कऽ कऽ देखलियै कहीं चाय पत्तियो भ सकैए लेकिन देखलियै पैंख वाला तऽ हमरा पूर्ण विश्वास भऽ गेल जे माछी लेकिन फेकू कोना आब ओ जेती तखन ने फेकब देखलियनि जे ओ कोनो बहने गेलथि बाहर हम चट दऽ कप लऽ कऽ आ मोरीमे लऽ जाकऽ ओहिठाम ओ बेसन लागल छलै ओ वाश बेसिन ओहिमे धऽ देलियै
ओ हमरा कहलखिन चाय पी लेलियै, हम कहलियै हाँ ए नहि पीलियै, ओ वास बेसी नहि एना तकलखिन, कहलियै अहाँ तऽ चाय फेंक देलियै, हम कहलियै हाँ माछी गिर गेल छलै तैं फेंक देलियै, ओ बेचारी फेर हमरा दोबारा चाय बना कऽ थोड़बे देरमे दऽ गेली, फेर चाय हम देखलहुँ, फेर हमरा बुझायल जे माछी पड़ल छै, हम फेर देखलहुँ ओ तऽ एम्हर उम्हर देख कऽ चायके फेर फेंक देलियै, तेसर बेर जे ओ चाय लऽ कऽ अयली तऽ हम चाय जे देखलियै फेर हमरा बुझायल जे माछी पड़ल छै, हम कहलियै आब जे चाय फेंकू, ता धरिमे ओ की बाले बच्चे समेत सब आबि कऽ सङ्गे बैस गेल, हम तकरा बाद ओ चायके ऊपर जे तकलियै तऽ हमरा लागल ना एहि चायमे इफेक्ट नहि छै, ई हमरा कोनो चश्मामे नहि तऽ डिफेक्ट छै, हम चश्मा उतारि कऽ देखै छी तऽ चश्माके शीशा परमे माछी रहै सटल, हम कहै धत् तेरीके तऽ चश्माके शीशा परमे माछी रहै, हम तखनसँ दू कप चाय फेंक देलियै, तऽ भाइ कखनो काल अपनो मंदबुद्धि जागृत भऽ जाइ छै, ओकर परिणाम देख लेलियै जे दू कप चाय फेंक दे। राधे भाई हास प्रयास के बाद अब हमसब किछु गंभीर विषय पर चर्चा करी। जी निश्चित। मैथिली मंच कमाऊ दृष्टि से केहन, किछु गोटे मैथिली मंच से कमा रहल छथि, किछु गोटा के परिवार चलि रहल छनि, बड़ा सुखद बात छै, तऽ अहाँ के नजर मे जे मैथिली मंच छै की ओ मंच कमाऊ छै, ओहि कमायल जा सकैया? बिल्कुल कमायल जा सकैए, और हम तो कहब जे हमर जे बैलेंस अछि लाइफ के एक्सपेंस बैलेंस जे ओ तो मैथिलिये के बदौलत हमर बैलेंस मतलब मेंटेन होइए, क्याकि देखियो हम कतबो 30,000-40,000 कोचिंग से कमा लेबै, भगवती के कृपा छनि जे 60-70 विद्यार्थी हमरा लग में आइयो के डेट में अछि, और हम कमा लै छी 30,000-40,000 टका ओहिसँ, लेकिन यदि हम प्रोग्राम नहि करै छी तो ओ साल के अंत जाइत जाइत बैलेंस जे छै से 10,000-20,000-25,000-50,000 हमरा माथ पर चढ़ि जाइ छै, क्याकि देखियो जहन इनकम होयत ओहि हिसाब से खर्च होइ छै, आब धियापुता बुझलक पापा कमाइ छथिन 30,000-40,000 ट्यूशन से तो ओ अनेर धुनेर खर्च केलक, बाद बाकी हमरा खाली एते तक नहि ने देखऽ के, हमरा गामो पर देखऽ के, पिताजी हमर बेरोजगार छथि, हमरा माओ बाबूजी के देखबाक अछि, हमरा छोट भाई एकटा अछि ओकरो देखबाक अछि, और तकरा बाद घर में जेठ बेटा छी जे आवश्यकता छै सेहो देखबाक अछि, तैं हम मैथिली के हम शुक्रगुजार छियनि जे धन्य मैथिली जे राधे के परिवार कुशलता सँ चलि रहल। राधे भाई मिथिला मैथिली आंदोलन सँ सेहो जुड़ल छथि, ठीक छै जी, आंदोलन चाहे सोशल मीडिया पर होय चाहे धरातल पर जाकर होय, लेकिन अहाँ के लगैया जे बेसी ठन आंदोलन नौटंकी भऽ रहल छै, फोटो खिचेनाइ भऽ रहल छै, तऽ आंदोलन के कोन तरह लऽ जायल जाय? देखियौ आंदोलन सही से जे छै से ओ अपन रूप पकड़ सकै, तेजी पकड़ सकै, सबसँ पैघ बात छै भाई जे आंदोलन हेबाक चाही वास्तविक तथ्य के लेल, आंदोलन केवल आडंबर के लेल देखावा के लेल अहाँ ठीक कहलियै या वो अखबार में फोटो छपेबाक लेल और मीडिया में एबाक लेल आंदोलन नहीं हेबाक चाही। आई आंदोलन के प्रभाव सँ दिल्ली के सत्ता परिवर्तन भेल छै, लेकिन की कारण छै जे मिथिलांचल के लोक आई 70 साल आजादी के भऽ गेलै, 70 साल सँ बाप बाप कऽ रहल छथि, लेकिन हुनकर आंदोलन सक्सेस नहि भऽ रहलनि यऽ और हुनकर आंदोलन कोनो रिजल्ट नहि दऽ रहलनि यऽ, एहि चीज के लेल ओहि आंदोलनकारी सबके अपना अंदर तकबाक छनि, मिथिला राज्य होय चाहे ओ कोनो चीज होय, हम एकैटा गप कहै छी, सबसँ पहिला चीज अहाँ के धियापुता मैथिली बिसरल जा रहल अछि, राज्य फाज्य बाद में, पहिने तो मैथिली धियापुता हमर कोना बाजै, कोना ओकरा मैथिली दिमाग में रहते, एहि के लेल आंदोलन करू ना, कहियो बिहार सरकार के जे हमरा मैथिली पाठ्यक्रम में हमरा संलग्न कऽ कऽ दे, हम हर मंच सँ ई डिमांड कऽ रहल छी, जे हमर ऑडियंस छथि जे सुनैत हेता हमरा रेगुलर, ओ निश्चित रूप से कहता जे हाँ राधे भाई ठीक कहि रहल छथि, हम हर मंच सँ ई प्रश्न उठेलहुँ, एखन हम झारखंड गेल छलहुँ ओहू मंच सँ ई प्रश्न उठेलहुँ जे हमरा हम सबके समर्थक बनऽ चाहै छी, लेकिन हमर सबसँ पहिल मांग अछि जे हमर बेटा जहिया नमहर हुए तो ओकरा मैथिली पढ़ऽ के अवसर भेटै, यदि मैथिली नहि पढ़तै तऽ एकटा गप कहू, एके बेर जे केओ चाहतै जे हम बिना नर्सरी पढ़ने पहिला क्लास दूसरा क्लास पढ़ने हम एमए कऽ लिए से संभव छै? नहीं, संभव नहीं छै। अरे भाई विभिन्न विषय पर हमरा सब बातचीत केलहुँ, हास प्रयास सेहो भेलै, गंभीर विषय सेहो भेलै, साहित्य साहित्यमे किछु जे छै से आरोप प्रत्यारोप सेहो लगलै, आंदोलन तऽ नाना तरहक विषय पर हमरा सब बातचीत
केलहुँ। कार्यक्रमके हमरा सब प्राय साक्षात्कारके समापन दिस हमरा सब सहित भऽ रहल छी, तऽ हम चाहब जे किछु जे गीत जे गुदगुदाईवला होइ जे लोकके अन्दरसँ लगै कि नहि हमसब कने प्रफुल्लित भऽ जाइ, तऽ एहिमे मूँछके लड़ाइ कने बेसी भऽ रहल छै, तऽ हम चाहब जे मूँछपर जँ कोनो गीत होइ तऽ ओ करैत आ एकटा छोट सन आओर कोनो टुकड़ा पेश करैत जे छै से। भाइ देखियौ, मूँछपरमे तऽ हम बकरीके तीन टाङ्गमे हम बाझल छियै, खराब नहि मानब, अहूँ तहि टाइपके छी, अहूँके मूँछ अछि नहि, हम तऽ ओना मूँछवला छी। तैँ हम बकरीके तीन टाङ्गमे गीत गेने रहियै जे बिना मूँछवला मूँछियलपर भारी पड़ै, तऽ मूँछु कहेलासँ की फायदा। बाबा घपोचन दासमे हमर गीत एकटा तैयार है कि आब लागल मोछमे मटिया तेल, मेलसँ आगा बढ़ल फीमेल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तऽ ई गीत छलै कि आब लागल मोछमे मटिया तेल, मेलसँ आगा बढ़ल फीमेल, हे यो लागल मोछमे मटिया तेल, लागल मोछमे मटिया तेल, मास्टरनी मुखियाइन बनल अय, घरे घर जनानी यो, पुरुख बेचारा बउआ खेलाबे, ई केहन किरदानी यो, हे यो सब प्लानिंग चौपट भेल, लागल मोछमे मटिया तेल, हे यो मेलसँ आगा बढ़ल फीमेल, लागल मोछमे मटिया तेल। ई भाई हमर एकटा गीत अय जे एखन बाबा घपोचन दासमे आबि रहल अय, बुझलियै। ओना मोछ कटेने छी अहाँ, तऽ इहो कोनो खराब गप नहि छै, किएकि देखियौ एकटा साधु हमरा एहिठाम दिल्लीमे आन्दोलन करै छलखिन, मोछेके चक्करमे हुनका भागऽ पड़लनि, नहि तऽ अगर बिना मोछके उड़ैतथि तऽ महिला दीर्घामे ओ सनिया गेल रहितथिन, लेकिन ओ बेचारे सूट पहिरलाके बावजूदो हुनकर दाढ़ी मोछ लोक देख लेलकनि आ ओ पुलिसवला हुनका पाछा कऽ देलकनि। तऽ अहाँ ठीक छी, अहाँ जे छै से एहन आन्दोलनमे यदि कहियो भाग लेब तऽ अहाँके पुलिस पाछा नहि पड़त, अहाँ घुसि सकै छी महिला दीर्घामे। चलू, बढ़िआँ बात छै, एहन आन्दोलन देखबै तऽ समय छै, समय नहि, आन्दोलन हेबाक चाही भाइ। एकटा हम कविता लिखने छी, ओ नहि कहलहुँ कि विद्यापति जे दीप जरौलनि, धीरे धीरे अछि सिसकि रहल, इतिहासक पन्ना पर सगरो दर्द मैथिलीक टहकि रहल, अष्टम सूची मात्र बहाना मुँह गढ़ा सब लुटि रहल, और आगि कुमानिक आइ देखू अहिना सौँसे लहकि रहल। ई हमर कविता आइ लिखल, और वास्तविकता इएह छै जे विद्यापति कखनो नहि सोचने हेथिन जे सीरा आगूमे दोसर भाषा बजतै, दोसर भाषा गीत गेतै, लेकिन आइ हमसब विद्यापति बाबाके फोटो लगा लै छी और ओहि मञ्चपर जाकऽ भद्दा भद्दा गीत गबै छी, और हम यदि नीक बात बजै छी तऽ हमरा कहै छथि जे यौ प्रवचन करै लेल एलियै यऽ, तऽ जी मैथिली, तैँ हम बहुत कुठित भऽ कऽ और कुण्ठित भऽ कऽ लिखलहुँ एहि गीत कविताके जे विद्यापति जे दीप जरौलनि, धीरे धीरे सिसकि रहल। प्राय अन्तमे जे छै से हम अहाँसँ एकटा चीज कहब, जे हर विषयके हर विधापर अहाँ जे छै चर्चा परिचर्चा केबे केलहुँ, मञ्चपर जे अहाँके ओज रहैत अछि, जे ओजके एखन अहाँ कनेक एकटा टुकड़ा पेश कयने छलहुँ हेँ, तऽ उएह टुकड़ा पे प्रस्तुति करैत, ओकरा ओकर प्रस्तुति दैत एहि कार्यक्रममे जे छै से आन्दोलन जे केओ कऽ रहल छथि हुनका किछु आह्वान करी आओर एहि साक्षात्कारके खत्म करी। बस समस्त आन्दोलनकारी सब एतबे कहबनि, चाहे ओ कोनो प्रकारके आन्दोलन करैत होइत, बहुत लोक एखन जनेऊ बचाओ, केओ गोटे पाग बचाओ, केओ गोटे मिथिला राज्यके लेल, केओ गोटा चीनी मिलके लेल, लेकिन हम एकैटा हाथ जोड़िकऽ सब गोटेसँ प्रार्थना करब जे एना नहि छिड़िआउ, सब गोटे जे छिड़िएल छी पहिने एकटा मकसद लऽ कऽ, एकटा मैटर लऽ कऽ सब गोटा एक हो, जे लोकके मनमे भ्रांति छनि जे बैंकके तोलनाइ और मैथिलके एकठाम इकट्ठा केनाइ ई बराबर गप छै, एकटाके पकड़िकऽ आनब दोसर भागि जायत, एहि चीजके अहाँ सब झूठ कऽ दियौ, सब गोटा एकठाम आबि कऽ एक मञ्चपर आउ और मिथिलाके विकास कोना हेतै एहिके बारेमे सोचू, एकठाम आबि कऽ एक मुद्दा लऽ कऽ, इएह कहबनि हम भाइ, हमर तऽ आखिरी आग्रह इएह रहतनि सब गोटेसँ। अन्तमे किछु गुदगुदा दियौ ने कने। अन्तमे हमरासँ कहै छी तऽ हम एकटा गोनू बाबूपर कविता लिखने छलहुँ आइसँ 6-7 साल पहिने। जी,
ओ कविता लोक पसंद कैलथि कनी नमहर छलै 15-16 अंतरा लिख देलिए लेकिन ओतेक हम नहीं सुना पाएब अहाँ आग्रह केलहुँ तैं सुना दै छी। बहुत लोग बुझै छथिन जे राधे खाली कॉमेडिये करै छै जोकरैये अबै छै राधे के तऽ हमर साहित्य सुनल जाओ कि एला ब्याह क गोनू बाबू पुछलनि टोलक नारि आ कहू कहू यौ गोनू बाबू केहन भेल ससुरारि खूब कटलै न मस्ती केलहुँ ने कैस के गस्ती तऽ मोन प्रसन्न कए गोनू बजला सासुर भेल बेजोर मोन प्रसन्न कए गोनू बजला सासुर भेल बेजोर आ कनिया हमर अहिंके दियादिन श्रीदेवी सन गोर देख कऽ हिया जुड़ेलहुँ ये भौजी तैं ने मास पुरेलहुँ। आब कनिया के विवरण दै छथिन कि नमहर नमहर लच्छा लच्छे सुंदर हुनकर केश नमहर नमहर लच्छा लच्छे सुंदर हुनकर केश आ लड्डू सन के मुँह ओ गोलका देतै ने केकरा लेस आँखि की नमहर नमहर नाक की छुड़िया तै पर हे अहाँ सब पथिये भौजी हुनकर रसगुल्ला सन देह देवर जे होइ छै भौजाई के कोनो गप जे भेल अंदरूनी मामला ओ शेयर केलक आ भौजाइयो देवर से पूछैत रहै छै। तब देखियो गोनू बाबू अपना भाउज से कहि रहल छथिन कि अहाँ सब पथिये भौजी हुनकर रसगुल्ला सन देह आ एतबे दिन में हमर हुनकर बढ़ल बड स्नेह गप में रुचि खुलैये कहू की मन लगैये हे दू दर्जन सारक भैयारी 17 टा सारि दू दर्जन सारक भैयारी 17 टा सारि आ आब काल में हाथ ने छोड़ा रखने रहा गछारि दही आ दूध ने पूछी ने अर्घा छाली आघी। तब कहै छथिन जे ससुर हमर अपने सत भैया बड़ धनिक ससुरारि ससुर हमर अपने सत भैया बड़ धनिक ससुरारि आ सपत दै सर होइज कहैये बिता ले मास मगारि ओझा डार महीना ठिठिर के रहबे कोना। तो बाबू ई तो और छै लेकिन हम एतै क्याकि समय के सेहो कनिक पाबंदी छै तै लक हम एतबे पर फिर कहियो मौका भेटतै तो और पूरा सुना देब। राधे भाई अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद जे विभिन्न विषय पर जे छै चाहे हास प्रयास होय मैथिल मंच होय आंदोलन होय या किछु कटहगर गप होय हर विषय पर जे छै से अपने निडर निधोख आ निफिकिर भऽ कऽ बजलहुँ ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला मिररके अपने एतेक बेसी समय देलियै व्यस्त समयमे सँ निकालि कऽ ताहिके लेल सेहो अपनेके बहुत बहुत धन्यवाद। हम तऽ सभसँ बेसी धन्यवाद अहाँके देब जे कमसँ कम मैथिलीमे आइ काल्हि देख रहल छियै मीडिया समाप्त भऽ गेलै मरि गेल छै हम एकरा अपना भाषामे कहै छियै मीडिया मरि गेलै लेकिन अहाँ मैथिलीके मीडियाके फेरसँ जे सञ्जीवनी दऽ रहल छै मिथिला मिररके नामसँ ई हम निश्चित रूपसँ कहै छी कि आइ नहि काल्हि काल्हि नहि परसू अहाँके मैथिली मिथिला आओर मिथिलावासी तीनू याद करता आओर मिथिला मिररके सेहो याद करता। हमर इएह शुभकामना अछि जे जे मिथिला मिरर एखन लोक छोट मोट यूट्यूबसँ एम्हर ओम्हरसँ देख रहल छथि मिथिलावासीसँ इएह कहबनि जे भगवतीसँ प्रार्थना करै जे एक दिन ई मिथिला मिरर एकटा नीक चैनल बनिकऽ अहाँ सबके बीच टेलीविजनपर जेना आन चैनल देखै छी एक बेर रिमोट हाथमे लऽ कऽ दबेबै तऽ अहाँके सामने मिथिला मिरर रहत अहाँके सामने ललित भाई रहता आओर विभिन्न प्रकारके जे मिथिला मैथिलीके लेल काज केनहार छथि सबगोटे अहाँके समक्ष रहता। एहि शब्दक सङ्ग हमहूँ अहाँ लोकनिके आभार प्रकट करै छी जे एतेक दुलारसँ राधेके रधवासँ भाई राधे बना देलिए ताहिके लेल आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राधे आ निश्चित रूपसँ जे छै से जहिना कोनो आमके जे आँठी फेंक दै छी ओहिमे सँ पिपही निकलै छै तखन शायद ई नहि केओ सोचने रहै छै जे पिपही एकटा गाछ बनतै कतौ जा कऽ रोपेतै एतेक विशालकाय वृक्ष भऽ जेतै जे काल्हिखनी फल सेहो देतै आम सेहो पकतै मजरतै फड़तै फुलेतै लोक खेतै आ हजारो पथिक जे छै से ओहिठाम आबि कऽ बैसता। तऽ निश्चित रूपसँ ई लोकक प्रेम छलै जे भाई राधे अहाँके बनेलनि रधवासँ तऽ तहिना वएह लोकनि छथि जे मिथिला मिररके एकटा वर्ल्ड वाइड एकटा ग्लोबली पहचान देलखिन एतेक समय देलहुँ ताहिके लेल राधे भाई अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। आजुक साक्षात्कार आजुक कार्यक्रममे एतबे अगिला दिन सेहो मिथिला मैथिलीसँ जुड़ल एहने कोनो सिद्धस्थ चेहराके लऽ कऽ अपने लोकनिक सोझा आयब तथे सहयोगी केशव कुमारके सङ्ग हम ललित नारायण झा अपने लोकनिके नमस्कार करै छी आओर एकटा आग्रह करै छी जे अपने सब बेसीसँ बेसी जे छै से मिथिला मिररके पढ़ी देखी आ सुनी आ खास कर यूट्यूबपर जाइ youtube.com/मिथिला मिरर पर एकटा सब्सक्राइब करी अपने सब जते बेसीसँ बेसी सब्सक्राइब करबै हमरा सब ओतेक नीक नीक कार्यक्रम अपने लोकनिक लेल आनब आओर अनैत रहब। धन्यवाद।